हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज की जो अपनी क्लास होगी वो अम्ल क्षार के ऊपर होगी और देखिए किस प्रकार से अपन अम्ल और क्षारों को एक दूसरे से अलग करते हैं, उन दोनों को कैसे पहचानते हैं, इन सब के बारे में आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो अम्ल होते हैं वो सभी को पता है स्वाद में कैसे होते हैं खट्टे, और क्षार कैसे होते हैं कड़वे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात, एक क्वेश्चन आता है कि ये लिटमस पत्र को किस प्रकार से चेंज करते हैं, उसके लिए एक ट्रिक होती है। देखिए, जो इसका अम्ल है उसकी ट्रिक है अनिल, एक याद रह जाएगा, अनिल नाम है, और क्षार का छलनी, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर छलनी ऐसे लिखी जाती है, ठीक है, आप क्षमता लिखते होंगे उसमें, इस प्रकार से आपने को याद करना है, अपने को गहराइयों में नहीं जाना है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा, अनिल यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके बाद में आता है छलनी, यानी कि क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसके बाद में आता है जो अपने अम्ल और क्षार हैं वो जलीय विलयन में किस प्रकार के आयन त्याग करते हैं, ठीक है। ये सबसे आजकल के जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर इससे क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। अब देखिए, जो अपना अम्ल होता है वो हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, और जो क्षार होता है वो हाइड्रोक्साइड का त्याग करता है, ठीक है। इसके बाद में रही बात इम्पोर्टेंट संक्षारक की, संक्षारक ये प्रकृति के दोनों होते हैं, यानी कि जो संक्षारक जो होता है शब्द, ये क्या होता है, संक्षारक शब्द होता है कि अपने जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पे किसी भी धातु जो होती है उसका क्षरण हो जाता है। जो धातु के संपर्क में आप लाके देखना, कभी अम्ल डालना, तो इसकी जो सतह होती है उसके ऊपर संक्षारण होना स्टार्ट, यानी कि उसके ऊपर कटाव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब बैटरी के ऊपर टर्मिनल जो होते हैं उनके ऊपर भी जो आ जाता है कैसा हरे हरे प्रकार का, वो यही होता है हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके, और वो उस टाइप का होता है। इसी प्रकार से आप उसको लोहे के ऊपर अम्ल को डालना, सबसे पहले आपको उसके ऊपर बुलबुले से एक दिखेंगे, जो बुलबुले होते हैं वो उसकी कटाव करते हैं, जो उसकी सतह होती है उसके ऊपर कटाव करते हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी मोटरें होती है उनकी जो वाइंडिंग हार्ड हो जाती है, उनकी वायरनेस को निकालने के लिए उसके ऊपर अम्ल किया जाता है, जिस जंग लग जाती है जिस लोहे के ऊपर उसको हटाने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो अम्ल होता है वो उसको पूरी तरीके से क्लीन कर देता है और ऐसा लोहा लगता है जैसे कि नया हो, तो वो अपन घिसते हैं उसको, उसके बाद में भी तो वो नया ही दिखता है ना, यानी कि अपन कह सकते हैं कि वो उसको गलाता है, यानी कि उसको क्षरण करता है। इसी प्रकार से उसको क्या कहते हैं, संक्षारक प्रकृति का बोला जाता है, ठीक है। ये हुए अपने अम्ल और क्षार की जो क्लास थी वो, इसके बाद में अपन दूसरी क्लास लेके आएंगे, उसके अंदर अपन और दूसरी बातों पे चर्चा करेंगे, साथ ही जो अपनी ट्रिक्स हैं किसकी, पीरियोडिक टेबल की, वो लगातार अपलोड की जा रही है। यदि आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी है तो सभी जाके वो क्लास देख ले, आपको उनमें बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। एग्जाम में आजकल लेवल बहुत ज्यादा आने लगा है, ना कि नॉर्मल एग्जाम आते हैं, छोटे क्वेश्चन आना खत्म हो गए। आजकल परीक्षाएं भी महंगी हो गई हैं, परीक्षा बहुत महंगी हो गई है। आप लोग चाहते हो कि सिलेक्शन लेना, तो उसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पुलिस फोर्स या कोई भी रेलवे, जैसा भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, कोई भी, उनके लिए आजकल इजी क्वेश्चन आना बहुत कम हो गए। पहले इजी क्वेश्चन 70% आते थे, लेकिन आजकल इजी क्वेश्चन का लेवल मात्र 30% रह गया है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कहां से क्या पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।